इस समय आप महाबलेश्वर मंदिर के ठीक पश्चिम साइड में आप समुद्र देख रहे हैं। गोकर्णा में यू आर लुकिंग इन द गोकर्णा इन द वेस्ट साइड ऑफ द महाबलेश्वर टेम्पल। तो आप गोकर्ण का वीडियो देख रहे हैं। तो गोकर्ण के विषय में थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डाल दूं। गोकर्ण एक ऐसा तीर्थ है, कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष भ्रमण करके संपूर्ण भारत में सभी तीर्थों को जागृत किया, परंतु गोकर्ण एक ऐसा तीर्थ है जो पहले से ही जागृत था। और वहाँ शंकराचार्य जी गए हैं, कुछ दिन रहे हैं, अपना भजन तप तपस्या उन्होंने किया है, परंतु वो गोकर्ण तीर्थ जैसा कि हमें वहाँ के ब्राह्मणों द्वारा पता चला पहले से ही जागृत था और आज भी जागृत है। हाँ, गोकर्ण में शंकर भगवान महाबलेश्वर के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको ये बता दूँ कि महाबलेश्वर आत्म तत्व लिंगम है। पूरे देश में द्वादश ज्योतिर्लिंग है और द्वादश ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त पांच प्रकृति लिंग हैं, आकाश तत्व लिंग, जल तत्व लिंग, पृथ्वी तत्व लिंग, वायु तत्व लिंग, अग्नि तत्व लिंग, ये पांच स्थान पे हैं। और छठा जो है आत्म तत्व लिंग महाबलेश्वर के रूप में गोकर्ण में स्थित है। तो शंकर भगवान यहाँ आत्म तत्व लिंग के रूप में उपस्थित हैं और बहुत ही प्राकृतिक दृश्य है, समुद्र के किनारे, और बहुत ही ऊर्जावान जगह है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे, और समुद्र का किनारा है जिसमें महाबलेश्वर बीच है, इसके बाद कुंडल बीच है जो आप वीडियो में देखेंगे, फिर ओम बीच है। तो आगे हम वीडियो देखते हैं। जय श्री राम। गोकर्णा बीच है, इट इज दिस इज गोकर्णा बीच। एंड शंकराचार्य स्टैचू एंड द मार्केट ऑफ दिस बीच। दिस इज गोकर्णा बीच इन द वेस्ट साइड ऑफ महाबलेश्वर टेम्पल। दिस इज लुकिंग द गोकर्णा एंड इन द फ्रंट साइड रामा टेम्पल। पहले बीच पर है, ये भगवान के कुंडल के आकार का है, अब तो टूरिस्ट प्लेस है। आई एम एट द कुंडल बीच, कुंडले बीच, यू आर लुकिंग, ये देखिए एकदम गोलाई के आकार का। You are looking Kundli beach. This way is going to Om beach. देख रहे हैं, ये Om beach है। गोकर्ण में तीन beach हैं, महाबलेश्वर beach temple का, गोकर्णा beach जो बोलते हैं, उसके बाद आपने कुंडल beach देखा, कुंडल beach है, ये Om beach है। इसमें जल की कटिंग ओम की तरह है, ऐसे उस साइड में यूं गए आके बीच में यूं आके ये साइड यूं है। हेलीकॉप्टर सीन से अच्छा दिखेगा।
कुंडले बीज देख रहे हैं, एक कुंडल के आकार के गोलाई में है। चलो, माय वॉक ऑन द हिल्स फ्रॉम ओम बीच, आई एम कमिंग रिटर्न फ्रॉम ओम बीच ऑन दिस हिल्स, टू मच ग्रीन, सो आई डिसाइडेड दैट आई विल वॉक, सो आई एम वॉकिंग ओनली 5 किलोमीटर्स गोकर्ण फ्रॉम हियर, फ्रॉम द गो ओम बीच, सो 2 किलोमीटर्स आई हैव कम, यू आर सीइंग दिस हिल इज टू मच ग्रीन, आई एम इंजॉइंग दिस हिल एंड वॉकिंग, थैंक यू। इवनिंग टाइम गोकर्ण बीच, इवनिंग टाइम गोकर्ण बीच की सीन, कोटी तीर्थ पे खड़े हैं, गोकर्ण के कोटी तीर्थ पे, जो गोकर्ण के महाबलेश्वर टेंपल के पूर्वी साइड में है, और इस समय इसकी सफाई चल रही है, आप देख रहे हैं। ये है कोटी तीर्थ, और चारों तरफ अतिक्रमण करके मकान बना दिए गए हैं, तो 5 किलोमीटर तरफ सफाई के कारण जल नहीं है। इसका मैं अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, जो संत शत्रुघ्न दास चैनल पर है, वहाँ आप जाके गोकर्ण प्लेलिस्ट उसमें देख सकते हैं। बहुत ही रमणीक है, जगह है, परंतु यदि ये मकान थोड़ा सा 50-50 फीट दूर पे बने होते और चारों तरफ मार्ग होते और उस पे बेंच लगी होती, लोग बैठते और तीर्थ का आनंद लेते, तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा ज्ञान विज्ञान हमारे भारतवासियों में नहीं है। ये आप कोटी तीर्थ देख रहे हैं, ये केवल मंदिर में पत्थर में जितना भगवान का विश्वास करते हैं, उतना जीव में ये भगवान का विश्वास नहीं करते। ये महाबलेश्वर टेंपल का रथ है, और अब उसके चारों तरफ तो इस तरह कैप्चर कर लिए हैं कि रथ निकालने का रास्ता ही नहीं है। ये देखिए, और गेट भी इसका दक्षिण दिशा से है, ऐसे सीधे जाएंगे तो इसका गेट मिलेगा। इसमें पूर्वी गेट है ही नहीं, ये महागणपति देवी देव
श्री महागणपति देव टेम्पल, और ये महाबलेश्वर टेम्पल का गेट। ये आप महाबलेश्वर टेम्पल का पश्चिमी साइड देख रहे हैं समुद्र की तरफ, और ये सामने जो है गली इधर समुद्र पे जा रही है।